नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लगभग हमने 12,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट कैसे बुक किया, उसके पीछे क्या रीजन थे मेरे ट्रेड लेने के पीछे, सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट बुक किया हमने। तो ये जो सारे ट्रेड हुए विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हो गए, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो उसके लिए मैंने आपसे एक बार माफी मांगता हूँ और फिर से मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने। तो देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो तो 11,908 का प्रॉफिट, लगभग 12,000 के आसपास प्रॉफिट है। तो मैं एक बार ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, मेरे 16 ऑर्डर ट्रिगर हुए थे। 16 का मतलब ये ना कि दोस्तों मैंने बहुत सारे ऑर्डर ले लिए, जब ऑप्शन में काम करोगे आप तो ऑर्डर थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है, मतलब 100 क्वांटिटी डालोगे तो 25-25 करके हिसाब से 4 हो जाता है, इसलिए 16 दिख रहा है। ये मेरे हिसाब से 8 या 4 ही ऑर्डर होना चाहिए, मैंने 4-5 ही बार ही ट्रेड किया था लेकिन ये 16 दिखा रहा है, तो ये ऑर्डर स्प्लिट हो जाता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले एक बार आप ऑर्डर बुक चेक कीजिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ फेक बता रहा हूँ। तो इसमें सारी चीजें मेंशन की हुई है, टाइमिंग के साथ है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे 9:16 से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था, 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये सारे ऑर्डर स्प्लिट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो एक ही ऑर्डर में आपको ऑर्डर नहीं मिलता, उसके पीछे भी क्या रीजन होता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना रहना होगा। तो देख सकते हैं सारे ट्रिगर ऑर्डर है, उसी के साथ ट्रेड आईडी भी है, मतलब जो भी है सब आपके सामने है। ठीक है, एक बार पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो देख सकते हो यहाँ पे 11,908 रुपीज का प्रॉफिट, उससे ज्यादा भी हो सकता था लेकिन एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो थोड़ा सा 4-5 हज़ार का मेरा स्टॉप मतलब लॉस हो चुका था, तो वो लॉस कवर करके 12,000 का प्रॉफिट है, मतलब कुल मिला के 19,000 या 20,000 के आसपास हो जाता है। तो निफ्टी स्पॉट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है दोस्तों। तो ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, कर्सर को देख सकते हो 29,200 के आसपास कल का क्लोजिंग प्राइस था, और ओपन कहाँ पे हुआ, 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ थोड़ा सा। तो मार्केट ने जो कल 1000 पॉइंट का फॉल दिखाया था, तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि बड़े प्लेयर के पास हमेशा पहले से न्यूज रहता है। तो बड़े प्लेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है तो फिर से एक बार प्लीज जाके देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है, ऑपरेटर गेम क्या होता है, मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए। तो आज के वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे 9:58 हो चुका है, और मैं एक बार आपको टाइम और डेट भी दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 9:58 और ये 26 नवंबर है, तो ये ओपन हो चुका है टास्क यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी डेट भी देख सकते हो, थर्सडे है, 26 नवंबर है, 9:58:27 हो चुका है। तो अभी भी मार्केट शुरू है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है मार्केट शुरू होके, फिर भी मैंने इतना प्रॉफिट बुक कैसे किया, मतलब इतना मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये चीजें मैटर नहीं करती है। चीजें मैटर कौन सी करती है, आपका एनालिसिस कहाँ पे बैठ रहा है, अगर आपका एनालिसिस सही से बैठ रहा है तो चीजें आपके फेवर में जा रही है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या चीजें होती है। 29,400 का पी हमने शॉर्ट किया था दोस्तों, पी शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और हमने जो ऑर्डर लिया था वो कहाँ पे लिया था, 339 के प्राइस पे लिया था, हमने शॉर्ट किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट, तो कहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था हमने 922 का, ऑर्डर में भी दिखा देता हूँ आपको जाके एक बार, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिलेट कर पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सब ये 29,400 के पीई है, सब एक ही ट्रेड में हमने काम किया था, सुबह 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ 9:28, ओके ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 9:27 को, ठीक है 9:27 कहाँ पे आता है, यही पे, मतलब ये 9:26 है ना, यहाँ पे ऑर्डर हमने मतलब लिया था इसी जोन में कहीं, तो यहाँ पे हमें जो स्ट्राइक प्राइस मिला था वो 339 का था, और वहां से पी शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और देख सकते हो मैंने जहां पे शॉर्ट किया था उसके विद इन 4 जो कैंडल बने पूरा ग्रीन कैंडल बने, मतलब जो मैंने एनालिसिस किया था उसी के हिसाब से मार्केट मेरे फेवर में गया। तो ये पी का जो टाइम वैल्यू होता है जल्दी से डीके हो जाता है, इसी के कारण क्या हुआ, जो मैंने 339 को शॉर्ट किया था वो मैंने कहाँ पे कवर किया, ये भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिखा भी दूंगा आपको ये सारी चीजें, लेकिन वीडियो को देखना जरूरी है आपके लिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। तो जो 339 का था वो 252 के आसपास मैंने कवर किया था, 200 क्वांटिटी मैंने पहले बाय कर चुका था, मैंने जो मतलब पहले शॉर्ट किया था 225, मैं पहले इसको कर देता हूँ, 252 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें थोड़ा ऑब्लिक बना देता हूँ, ओके 252 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें 200 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली थी, मैंने मतलब शॉर्ट कवर कर लिया था। और उसके बाद अभी भी देख सकते हो मार्केट शुरू है और ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और जा सकता है,
वो भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, और जो मेरे बचे कुछ ट्रेड थे वो मैंने कब कवर कर लिए ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 252 के आसपास मैंने अपना पूरा मतलब 200 क्वांटिटी बाय कर ली थी, और उसी के बाद मैंने अपना जो बची क्वांटिटी थी वो मैंने 220 के आसपास अपनी जो 100 क्वांटिटी थी वो भी मैंने अपनी कवर कर ली थी, जो मतलब मेरे जो सुबह शॉर्ट साइड ट्रेड थे तो 100 क्वांटिटी भी मैंने मतलब बाय कर ली थी, वो सारे दिखा दूंगा ऑर्डर में आपको। तो सबसे पहले देख सकते हो 252 के आसपास हमने लगभग 100 पॉइंट के आसपास अपना प्रॉफिट कैप्चर किया था, तो आप लगा सकते हो हिसाब 200 × 100 कितना होता है, 20,000 के आसपास बन जाता है दोस्तों। तो 20,000 का प्रॉफिट हमने विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर बुक किया था, ये भी दिखा देता हूँ। तो ये एग्जीक्यूटिव ट्रेड है, मतलब ये मैंने 927 को ऑर्डर लिया था, देख सकते हो यहाँ पे 300 क्वांटिटी सेल की गई। आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट भी कर सकते हो, और उसका मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था 200 क्वांटिटी विद इन 2 मिनट्स के अंदर 20,000 का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद टेक्निकल ग्लिच के कारण फिर से बाय हो चुका था, लेकिन मैंने फिर से सेल कर दिया था दोस्तों। तो जो बाकी के ऑर्डर है देख सकते हो 228 है, मैंने यहाँ पे 220 लिख दिया है। ओके, मतलब ये वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा 8-10 पॉइंट ऊपर चला गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 228 तो मैंने मतलब जो प्रॉफिट बुक किया इन सारी चीजों में लगभग मोर देन 100 पॉइंट का था, तो ये 100 पॉइंट का जो प्रॉफिट कैप्चर किया विद इन 4-3 मिनट्स के, मतलब 4-5 मिनट्स के अंदर हो चुका था। तो मेरा व्यू था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो सडन 2 रेड कैंडल बने इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एनालिसिस ठीक से कर रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब में है, और आप स्टॉप लॉस ट्रिल करना जानते हो, और रिस्क मार्केट में कितना लेना ये भी जानते हो आपकी पॉकेट साइज के हिसाब से, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आपका रिस्क 10 रुपये का है तो आपका उसके अगेंस्ट बनने वाला प्रॉफिट भी 10 रुपया ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो 1-2 रुपये का प्रॉफिट निकल के दिखता है तो लोग निकल के जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर टारगेट आपका 100 रुपये का है फिर भी 20-30 रुपये में ग्रीन जैसे दिखने लगा वो निकल जाते हैं, उनको ग्रीड कंट्रोल नहीं होते, लेकिन लॉसेस पूरा करेंगे वो, 100 रुपीज़ का लॉस कर लेंगे लेकिन प्रॉफिट पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐसे करने के कारण एक दिन आपका पूरा कैपिटल वाइप अप हो सकता है। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ आपके लिए, तो देख सकते हो ये मार्केट अभी भी थोड़ा बेरिश है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपके लिए, अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है, तुरंत ब्रेक नहीं हो सकता ये यहाँ पे दोस्तों। आप सोच सकते हो कि यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा और 200-300 पॉइंट कैप्चर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो थोड़ा सा ये बाउंस बैक करना जरूरी है और उसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल की जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए और इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कीजिए, तो आप आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।